गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन। लास्ट क्लास से मैंने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ाना चैप्टर। आज ड्रेनेज पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इसके पहले मैंने बताया इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, मैं इसके बारे में पढ़ना है। इसके कुछ और सारे रिवर है साउथ इंडिया, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन ड्रेनेज पैटर्न थोड़ा जानना आगे जरूरी है। रिवर का ओरिजिनेशन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके चार पैटर्न है ड्रेनेज पैटर्न में। पहला है डेंड्रिटिक पैटर्न। इसमें होता है रिवर का डेवलपमेंट होता है, बट रिवर अपने चैनल में बाइफर्केट हो जाते हैं। चैनल में बाइफर्केट हो जाते हैं। डेवलप वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप, जहां स्लोप अधिक होता है वहां पे ये डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप होता है और ये एक तरह से ब्रांच में टूट जाते हैं। रिवर अपने ब्रांच में नजर आ जाता है। व्हेनेवर द रिवर रिसेंबल्स टू द ब्रांचेस इट कम्स अंडर द डेंड्रिटिक पैटर्न। जैसे देखिए माउंटेन ऐसे जैसे निकलने के बाद ये ब्रांच में टूटता चला गया, इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। दूसरा है ट्रेलिस पैटर्न। इसमें रिवर का डेवलपमेंट होता है जहां का टेरेन लैंड फॉर्म हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों से बना हुआ होता है। जहां पे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक से दोनों बना हुआ टेरेन होता है वहां पर रिवर का डेवलपमेंट होता है। तो रिवर वहां पे पैरेलल चलती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है। अब इधर से निकल के यहां आती है, ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, इसको लग रहा है कि ये रिवर पैरेलल एक दूसरे के चल रही है। उसको कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ये कहां पे होता है? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक टेरेन, जहां का हार्ड और सॉफ्ट रॉक का भूभाग है लैंड में, वहां पे ये इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है और नदियां फ्लो करती इस तरह से। तीसरा है रेक्टेंगुलर। ये स्ट्रॉन्ग रॉक में डेवलप होता है टेरेन में, जहां पे रॉक में जहां का जो अपर पार्ट जो लैंड का है वो टोटली स्ट्रॉन्ग होता है, रॉकी होता है, वहां पे ये डेवलप होता है। और ये आपको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देखिए रिवर निकलने के बाद बाइफर्केट होती है, एक तरह से रेक्टेंगल फॉर्म बनाती है। ये आप बुक में भी देखेंगे इस चीज को, ड्रेनेज पैटर्न को फिगर यहां जो भी नजर आया आपको, लेकिन बुक में देखेंगे तो आपको वो एग्जैक्ट फिगर नजर आएगा। इस तीनों ड्रेनेज पैटर्न के बारे में लास्ट जो आपको है रेडियल पैटर्न। ये आपको फॉलो डिफरेंट डायरेक्शन स्ट्रीम्स, नदियां और धाराएं इसके स्ट्रीम्स जो है फॉलो डिफरेंट डायरेक्शन है। देखिए अगर ये माउंटेनियस एरिया से निकल रही है तो ये अलग अलग पैटर्न अलग अलग धाराओं में निकल जाए, अलग एरिया में बहना स्टार्ट हो जाती है। अभी आप देखते हुए इस वीडियो को देखते हुए बुक को सामने रखेंगे और उस फिगर को देखेंगे जो आपको रेडियल दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रीम्स फॉलोइंग डिफरेंट डिफरेंट एरिया। तो उसे कौन सा पैटर्न कहेंगे? रेडियल पैटर्न उसको कहा जाएगा। सो दीज आर द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम। हाँ, अब देखते हैं कोर्सेज ऑफ रिवर। ये आपको सोर्स ऑफ रिवर, सोर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ रिवर मतलब जहां से रिवर ओरिजिनेट करती है। और इस रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है? पहाड़ों से और पठार से। दो जगह मैंने आपको बताया, सेंट्रल हाईलैंड, वेस्टर्न घाट और हिमालयन रेंज, इन सभी जगह से मेन रिवर ओरिजिनेट करती है। तो वो उसका क्या कर रहा है? सोर्सेज ऑफ रिवर, जहां से वो निकलती है, जहां से ओरिजिनेट होता है रिवर। और इसके पहले मैंने बताया था आपको रिवर जो है उससे दो तरह के हैं, पेनिनसुलर रिवर है और हिमालयन रिवर है, और दोनों में डिफरेंसेस भी बताया मैंने था। हिमालयन रिवर पेरेनियल होते हैं, पेनिनसुलर रिवर सीजनल होते हैं, और भी कई डिफरेंसेस मैंने बताया।
तो चलिए अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ रिवर कहां से वो निकलती है, उसका कोर्स क्या होता है, कोर्स इज धारा और कौन कौन सा फंक्शन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ वाटर वो करते हैं टिल मेटिंग इन टू द ओशन, जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता। ठीक है, पहला जो पार्ट है अपर फोर्स, फर्स्ट पार्ट को अपर फोर्स बोलते हैं और यहां पे इसका इसका जो वाइट होता है वो पतला होता है, चौड़ा वाइट ज्यादा नहीं होती, वो सकड़ी होता है, नैरो होता है, तो माउंटेनस से निकलते हुए आते हैं और मोस्टली इसको कहेंगे ये माउंटेनस एरिया में होते हैं, वैली के रूप में निकलते हुए वो अपर पार्ट होता है। यहां पे स्पीड ऑफ वाटर बहुत फास्ट होता है, पानी का फ्लो बहुत फास्ट होता है क्योंकि वहां पे इनके बहुत हाई डीप स्लोप पे होते हैं, वहां पे इसलिए फास्ट मूविंग वाटर यहां होता है। इसके कारण ये क्या करते हैं, इरोजन, इरोजनल वर्क करते हैं। इरोजनल इज कटिंग डाउन ऑफ द रॉक मटेरियल्स, द हर्ब्स एंड द श्रब्स एंड द प्लांट्स, इसको वो काटते छाटते नीचे गिराते हैं, फोर्स ऑफ वाटर के कारण इरोजनल वर्क करते हैं। जैसे जैसे अपर फोर्स से रिवर मिडिल कोर्स में आती है तो इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है और ये थोड़ी चौड़ी होती चली जाती है और मिडिल कोर्स में ये क्या कौन सा काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, दैट इज इरोज मेटेरियल दैट इज इरोज इन द अपर फोर्स, अपर फोर्स में जिसको वो काट छाट कर लाएगा रॉक मटेरियल उसको रॉल करते करते सैंड में कन्वर्ट होता है और वो फाइन होते हैं और वाटर में मिल जाते हैं, इसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मिडिल क्लास मिडिल फोर्स में। ठीक है, यहाँ ये थोड़े चौड़े होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मेशन होता है मेंडर्स, मेंडर्स के लिए ऑक्सबो लेक के लिए इसका फॉर्मेशन करते हैं रिवर। उसके बाद और थर्ड लोअर फोर्स है और मोस्ट ऑफ द रिवर आप कह सकते हैं जो इसके ट्रिब्यूटरीज है, मेन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वह मिडिल क्लास मिडिल कोर्स में आकर इसमें ज्वाइन करते हैं, इस कारण से इसका कोर्स बढ़ता चढ़ाता रहता है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड लोअर कोर्स में, यहां पे वो डिपोजिशनल वर्क करते हैं, किस चीज का डिपोजिशन करते हैं, द मटेरियल दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द मिडिल कोर्स, सैंड सिल्ट और अदर जो मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कोर्स करते हैं, किस कोर्स में, लोअर कोर्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन सॉरी डिपोजिशन होता है, उसका डिपोजिशन होता है किस कोर्स में, लोअर कोर्स में। और आप कह सकते हैं एट द माउथ, माउथ से मतलब हमारा है जब रिवर ओशन को टच करती है मिलती है वहां आते आते इसके स्पीड स्पीड तो यहां भी घट जाता है, वाटर के फ्लोइंग स्पीड मिडिल कोर्स भी घट जाता है इन कंपेयर टू द अपर कोर्स, लेकिन जब लोअर कोर्स में आते हैं और जब ये माउथ के पास पहुंचते हैं ओशन के वहां पे एकदम स्लो हो जाता है स्पीड, जिसके कारण इसके अंदर इस वाटर में जो मिले हुए पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे वहां पे जमा होने लगते हैं, इसको कहते हैं डिपोजिशनल वर्क कहा जाता है और यहीं पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। जैसे भी ये ओशनिक पार्ट है और ये डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा और भी कहीं तो महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, ये सब फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया, फोर्सेज ऑफ द रिवर, कौन कौन सा फोर्स है, देखिए अपर फोर्स, मिडिल फोर्स एंड द लोअर फोर्स, अपर फोर्स में इरोजनल वर्क, मिडिल फोर्स में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क एंड द लोअर फोर्स में डिपोजिशनल वर्क, और डिपोजिशनल वर्क के कारण ही जितनी भी नदियां ओशन को टच करती है मिलती है सभी जगह डेल्टास का फॉर्मेशन, इसलिए वहां क्या काम होता है, जो मेटेरियल्स
वो उधर से लाते हैं फ्लो करके, वो लास्ट में ओशियन के पास जमा करते हैं और वो एक डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके थैंक यू, आज ध्यान तक रह दिएगा, आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे लेकिन बियॉन्ड द टॉपिक आप क्वेश्चन नहीं करें, टॉपिक को स्टडी करें और उसी के अंदर क्वेश्चन करें तो बेहतर है। ठीक है, ओके थैंक यू।